दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ धरती पे स्वर्ग कहे जाने वाले जगह पे। नहीं, ये कश्मीर नहीं, ये सिक्किम। मैं अभी बागडोगरा एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा हूँ और यहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे और हम जाएंगे गैंगटॉक। जैसे ही आप बागडोगरा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो तकरीबन 100 मीटर के डिस्टेंस पे टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे जो कि आपसे शेयर टैक्सी के लिए भी निगोशिएट करेंगे। शेयर टैक्सी का प्राइस तकरीबन 400 से 600 रुपये है बागडोगरा एयरपोर्ट से डायरेक्ट गैंगटॉक का। यहाँ पे आपको रिज़र्व टैक्सी भी मिल जाएंगे। रिज़र्व टैक्सी का आपको फेयर वेरी करता है 2500 से 3000 के बीच में, जिसमें कि आपको वैगनार, स्विफ्ट इस तरह की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और ये तकरीबन आपको 6 घंटे का जर्नी होगा, 6 से 7 घंटे का बागडोगरा से गैंगटॉक तक। हमने वहाँ पे टैक्सी नहीं किया क्योंकि हमारा टैक्सी पहले से बुक था और टैक्सी वाले भैया हम लोगों को पिकअप के लिए आ चुके थे जैसे ही हम बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरे थे। तो अभी हम टैक्सी के साथ जा रहे हैं और यहाँ से हमारा ये ट्रिप शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि हम वादियों में इंटर कर चुके हैं और वादियाँ बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा रास्ता जो है तिस्ता नदी के साथ चलता है। एक तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत मनोरम हर तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे और पूरा हिली टेरेन है, और दूसरी तरफ आपको तिस्ता नदी मिलेगी। रास्ते में कई सारे टेंपल आते हैं, जैसे ये काली माँ का मंदिर है, ये बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे टैक्सी वाले भैया ने हमें बताया कि इस पूरे रीजन का सबसे फेमस मंदिर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी तक अभी तक रेलवे स्टेशन है, बट ये बनकर रामबन तक जाने वाला है जो कि सिक्किम को भी टच करेगा, तो सिक्किम भी बाय रेल कनेक्ट हो जाएगा। एक बार ये बाय रेल कनेक्ट हो जाएगा तो हर किसी के लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी मेनली जो है सिक्किम में दो नदियां हैं, ये नॉर्थ सिक्किम से निकलती है, सोलहामुस लेक के नाम है जो कि सबसे हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, और ये आपको सिक्किम से बहते हुए वेस्ट बंगाल होकर ये ब्रह्मपुत्रा नदी में बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे एक डैम भी बना हुआ है और ये नदी चूँकि अभी बारिश का टाइम है, मानसून का सीज़न है, तो यहाँ पे अभी नदी में अच्छी खासी पानी है। वैसे नदी में पानी होती है लेकिन अभी फ्लो थोड़ा ज़्यादा है और नदी भी थोड़ी वाइड हो चुकी है। जैसे जैसे हम इसमें आगे जाएंगे आपको बहुत ही मेस्मराइजिंग और अमेजिंग व्यू आता जाएगा। ये देखिए तितली भी इस तरह से शायद ही कहीं दिखती है आज के डेट में, सिटी लाइफ में तो नहीं ही दिखती है। जितना भी आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ ये सारा रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था बारिश के कारण, लेकिन बारिश के कारण भी लैंडस्लाइड होने के बाद भी इसको बहुत जल्दी क्लियर किया गया क्योंकि ये रोड BRO के अंदर आती है और आर्मी मूवमेंट के लिए वो लोग तुरंत इसे क्लियर करते हैं। BRO के साथ साथ यहाँ पर स्टेट पुलिस भी होती है। इसी रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कलिंगपू और दार्जिलिंग के लिए एक रास्ता डाइवर्ट होती है जो कि आप ऊपर से देख रहे हैं। ये रास्ता कलिंगपू और दार्जिलिंग के लिए चली जाती है, नीचे से जाएंगे तो हम गैंगटॉक के लिए जाएंगे। इस रास्ते में थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो तिस्ता नदी के उस पार जो है सिक्किम है, ये साउथ सिक्किम का पार्ट है। अगर हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो हम साउथ सिक्किम में इंटर करेंगे, बट अभी हम गैंगटॉक जा रहे हैं तो साउथ सिक्किम हम बाद में जाएंगे। ये ब्रिज जो है आपने काफ़ी बार देखा होगा, इस ब्रिज के थ्रू हम सिक्किम में इंटर कर रहे हैं और ये ब्रिज एक तरह से बहुत ही रिमार्केबल ब्रिज है सिक्किम में इन करने के लिए। यहाँ पे जब आप इन करेंगे तो गाड़ियों की सिक्योरिटी चेक होती है। नॉर्मली सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप इन करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आप एक छोटा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये उन टूरिस्टों के लिए जो फॉरनर हैं, जो इंडियन नेशनल्स के नहीं हैं, उन लोगों को अपना एंट्री कराना पड़ता है सिक्किम में। और जब आप वापस यहाँ से निकलेंगे तो बिल्कुल याद रखें कि आप लोगों को यहाँ पे एग्ज़िट भी कराना होगा अपने पासपोर्ट पे, जो लोग नॉन इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए जब आप एग्ज़िट के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको ये देखा जाएगा कि सिक्किम आपने चेक इन किया था तो सिक्किम में आउट क्यों नहीं कराया। तो इस बात को बहुत ही सतर्कता से याद रखें कि ये प्रोसेस आपको ज़रूर फुलफिल करना है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो गैंगटॉक से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले आपको मोस्ट रिनाउंड सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आएगा, जहाँ पे कि इसकी इंजीनियरिंग की कॉलेजेस हैं और कैंपस बहुत ही खूबसूरत है। पूरा रास्ता आपको जो है एक वंडरफुल एक्सपीरियंस देगा और पैनोरमिक व्यू है, आपको पता नहीं चलेगा 5 घंटे आपके कैसे निकल गए। हम लोगों को तो ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि हम रास्ते में रुक रुक कर जा रहे थे,
इतना खूबसूरत पूरा रास्ता था कि आपको बता नहीं सकता हूँ। वहाँ पे फाइव स्टार होटल में अभी रमाडा खुला है और माईफेयर करके है। थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको गैंगटॉक सिटी में आपको सिक्किम मणिपाल का बहुत ही खूबसूरत मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे कि आपको हर तरह के रोगियों का इलाज होता है जिनको भी ज़रूरत होता है, और इनका मेडिकल कॉलेज भी है। इसके बाद अब शाम का समय हो चुका है, जैसा आप देख रहे हैं सनसेट हो चुका है। ये एमजी रोड है, एमजी रोड वहाँ का मोस्ट हैपनिंग प्लेस आप बोल सकते हैं, सिक्किम का ये लैंडमार्क है। यहाँ पे जब भी आप सिक्किम जाएं तो आप एक बार एमजी रोड पे ज़रूर जाएं, यहाँ पे आपको बहुत हैसल बसल होगा। हालांकि एमजी रोड थोड़ा जल्दी क्लोज़ हो जाता है अदर सिटीज़ के मुकाबले, यहाँ पे 8 बजे से शॉप क्लोज होने शुरू होते हैं, मगर रेस्टोरेंट्स और इस तरह के जो इटरीज़ हैं वो 10-10:30 बजे तक खुले होते हैं। हालांकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, अभी तकरीबन रात के 8:30 बज रहे हैं, बट फिर भी मोर देन 70% शॉप्स खुले हुए हैं। इवन कि अभी जो है वो नॉन पिक सीज़न है टूरिस्ट के लिए, तो आप आराम से जा सकते हैं फाउंटेन में से पानी और कलर्स वगैरह देख करके। अभी हम इटरीज़ के लिए अपना डिनर के लिए मोस्ट रिनाउंड और फेमस जो वहाँ का रेस्टोरेंट है सफल मोमोज वहाँ आए हैं। यहाँ पे आप मोमोज को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने फ्राइड मोमोज और स्टीम मोमोज लिया था, और ये हमारा डिनर था डे वन का। अब चलिए डे टू के लिए हम निकलते हैं। डे टू हमारा नाथुला पास का प्लान था। सुबह हम लोगों ने होटल से तकरीबन 9 बजे निकले थे, मौसम काफ़ी खूबसूरत था, बारिश नहीं हो रही थी जब हम नाथुला पास के लिए निकले, मौसम भी क्लियर था। आप याद रखें कि नाथुला पास के लिए आपको नीचे का चेक पोस्ट जो है वो 10 बजे तक क्रॉस करना होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ जस्टिफाइंग माई कैमरा, बट स्टिल ये काफ़ी खूबसूरत है। आप एक ही तरफ का मत देखिए, ये मेरे पीछे का बैकग्राउंड है, आपको मैं चारों तरफ का दिखाता हूँ एक पैनोरमिक व्यू टाइप से। ये देखिए, ये आपको पानी है, ये आपको इधर ग्रीनरीज है, ये आपको इधर की तरफ पूरा बादल है, और ये देखिए बादल, इट्स क्लाउड इज मूविंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ इट हैज स्टॉप्ड एट वन प्लेस। और ये देखिए, ये हमारा रोड है, और मतलब यू कैनॉट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग इट इज़। तो आपने जैसा पीछे देखा बहुत ही खूबसूरत था, उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो आपको शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप कपड़े जूते वगैरह रेंट कर सकते हैं। नॉर्मली 100 रुपीज़ इनका चार्ज होता है। उसके बाद फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को तकरीबन 11 बज चुका था, और 11 बजे इतना फॉग फील हो रहा था, इतना फॉग दिख रहा था। आप ठीक नाथुला पास से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले आपको गाड़ी चेंज करना होगा। अगर आप 6 लोग हैं तो आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, जैसे हम 2 लोग थे तो गाड़ी चेंज करना पड़ा और शेयरिंग व्हीकल में जाना पड़ा। वहाँ पे नाथुला पास जब आप पहुँचने वाले रहेंगे तो आपको चाइना का GPS फाउंड पकड़ेगा, और वहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस दिखाएगा। नाथुला पास की ये पार्किंग है जो आपको दिख रही है, ये काफ़ी खूबसूरत भी है, और ये है नाथुला पास का फर्स्ट व्यू जो आप देख सकते हैं। बगल में छत्रपति शिवाजी का स्टैचू है, एक तोप है, और नाथुला पास का साइन बोर्ड है। ये आप सामने से देख रहे हैं नाथुला पास, और यहाँ से आपको तकरीबन एक 200 मीटर का ट्रेकिंग है, स्टेयर्स के द्वारा आपको चढ़कर जाना है। यहाँ पे पूरे आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, और यहाँ पे आप धीरे धीरे जाएँ, यहाँ पर आप बिल्कुल रश ना करें। यहाँ पर एक कैंटीन भी है जो कि आर्मी के द्वारा ही चलाया जाता है, यहाँ पर आपको समोसे, टी और आपको सूप, ये सारे चीज़ मिल जाएंगे, फ्राइज़ भी मिल जाएंगे। ये है नाथुला पास का वो बॉर्डर जो कि सिर्फ बैरिकेडिंग किया हुआ, उस साइड चाइना है, इस साइड इंडिया है। अभी आपको चाइना साइड का दिख रहा है क्योंकि मैं इंडिया साइड में खड़ा हूँ, हालांकि आप चाइना के साइड नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ इसके बार के इस साइड से ही देख सकते हैं बैरिकेशन के। ये जो आपको एक बिल्डिंग दिख रहा है ये चाइना का है। जैसा नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि जो भी मीटिंग्स होता है वहाँ पर आर्मी पर्सनल का, तो वो इन बिल्डिंग्स में ही होता है। ये चाइना का आपको फ्लैग भी दिख रहा है, ये चाइना का ट्रेड के लिए बना हुआ है, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से होता है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि कैलाश मानसरोवर के लिए पहले जो जाया करते थे तो वो इसी रास्ते से जाते थे, नीचे में गेट बना हुआ है जहाँ से कि आपको वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह हो करके कैलाश मानसरोवर के लिए चाइना में इन करते थे, और फिर बाई रोड वहाँ से हम कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि ये चाइना का था, और इंडिया साइड का ये है, यहाँ पे इंडियन आर्मी का ऑफिसेज है, साइट ऑफिस जिसको आप बोल सकते हैं, जहाँ पे कि ये लोग बैठ करके जो भी द्विपक्षीय वार्ता एक तरह से कह सकते हैं आर्मी पर्सनल के बीच होती है वो सारे यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं।
नीचे जो आपको रोड दिख रहा है वो रोड उस ट्रेड सेंटर से होकर जाता है। चाइना के जो भी गुड्स आते हैं वो भी यहाँ पे ITBP के अंदर थोड़े सेल किए जाते हैं, वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, रास्ते में वो आएगा। ये इंडिया साइड का है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मराठा रेजिमेंट का डिप्लॉयमेंट है। बहुत सारे आर्मी पर्सनल मुझे मिले, मुझे थोड़ा बहुत मराठी भी समझ में आता है, तो जब मैंने बात किया तो मुझे पता चला कि मराठा रेजिमेंट का डिप्लॉयमेंट है और मोर देन 70% लोग जो हैं वो महाराष्ट्रियन हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे नागपुर और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, अहमदनगर वगैरह से थे। जिन लोगों से बात कर कर एक बहुत ही अच्छा सुखद अनुभूति प्राप्त हुआ, मैं ये बोलूँगा आपको। यहाँ पे जब जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा कल्चर है, डाइवर्सिफाइड जो हमारा इंडिया का कल्चर है, उसका कुछ इलस्ट्रेशन किया गया, कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाए गए हैं। आगे में जो आपको छोटा छोटा फ़ोटोज़ दिख रहा है, वहाँ पे आर्मी के परेड के फ़ोटोज़ हैं, नई दिल्ली के फ़ोटोज़ हैं जो हमारे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे किए जाते हैं। और ये कुछ हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे देखिए, ये एक जवान है जो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को इंडिया गेट पे, या तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कैपिटल में जो दिखाया जाता है। जैसे ये देख सकते हैं कि हमारे वायुसेना जो है तिरंगा बनाते हैं फाइटर प्लेन से, वो है सल्यूटिंग द रियल हीरोज़ है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, जो नीचे में आपको दिख रहा है यही वो गेट है जिसके बारे में पहले बोल रहा था कि कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं और उनका व्हीकल आता है ट्रेड के लिए, तो इसी रास्ते से आता है। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये जो आपको सामने में फ्लैग्स दिख रहा है और वहाँ पे जो आपको एक स्मारक बना, वो शहीद स्मारक है उन लोगों के लिए। नाथुला पास जाने के लिए यही हेलीपैड है। जो भी VIP मूवमेंट होता है या आर्मी के बड़े ऑफिसर्स आते हैं, वो सारे लोग यहीं लैंड करते हैं और यहाँ से फिर बाई रोड जाते हैं। ये आपका इंडिया चाइना का ट्रेड सेंटर है, ये ITBP के अंदर है। यहाँ पे जो भी चाइना से सामान आता है वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए वेरीफाई होकर के, छोटा मोटा सामान यहाँ पे डायरेक्ट भी सेल होता है, बट सारा चीज़ ITBP के अंदर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी 2 बज चुका है और फॉग और ज़्यादा डेंस हो रहा है। इसके लिए ये लोग जो है आर्मी पर्सनल, वो 1:30 बजे के बाद वहाँ पे रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि हाइट भी है और फॉग भी काफ़ी डेंस हो चुका होता है। आप लोग ये भी याद रखें कि जब भी आप यहाँ पे आएँ घूमने के लिए, तो अपने साथ कुछ खाने का सामान ज़रूर लें, जैसे चॉकलेट वगैरह। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे।